शादी ब्याह में वो गीत चलता है, धान कुटा हे दूल्हा धान कुटा हे डॉट 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 डॉट, बाकी अब नहीं चलता है जी। तो ये आपकी किसकी साक्ष मिला है? ओखली का साक्ष। तो ओखली इसी को हम कहते हैं, आप तो समझ ही गए होंगे। ओखली का से हड़प्पा को ही निकालते हैं। बोलो किसको निकालते हैं? हड़प्पा को ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। सबसे पहला स्थल कौन भाई? हड़प्पा सबसे पहला स्थल है। हड़प्पा सबसे पहला स्थल, इसकी खोज हुआ 1921। बोलो किसका खोज? हड़प्पा का खोज कब हुआ? तो इसका खोज हुआ 1921। राय बहादुर दयाराम साहनी। साहनी से काम चला ले, पीछे लिखे थे नलम का जी, तो शॉर्ट टर्म नहीं देते हैं। कौन साहनी? और यह है कहाँ? तो पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। बोलो भाई कहाँ? पाकिस्तान में वो जिला है, उस जिला का नाम है मोंटगोमरी। नाम बोलो क्या? और वही जिला में है और नदी है रावी नदी। कौन नदी? तो पहला तो ही क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा पाक खोज किसने किया, कब किया। अगर खखोर के पूछे रहेगा तब पूछेगा पाकिस्तान के कौन जिला में? मोंटगोमरी जिला। बोलो तो फिर से बोलो, कौन जिला में? एकरा कहते हैं खखोर के पूछना। खखोर समझते हैं मोंटगोमरी जिला। हमने गांव में दहिया वाला को खखोर के खाते थे, डढ़िया कहते थे उसे। नहीं आप लोग समझे? अभी भी आप लोग भी खाते हैं, ऐसा बात नहीं कि आप लोग नहीं खाते। जिस बर्तन में आप दूध गर्म करते हो, हम छाली रहता तनी मनी बचला के बाद इसे काच के एकदम हुमज देते हैं कि नहीं, तो वो करे हमने खखोर के पहले खाते हरिवा से। तो वो कहते खखोर के पूछ रहा है तो कौन जिला बोल देना है? मोंटगोमरी। बोलो भाई कौन कौन जिला? अब पढ़ना यही है कि हड़प्पा से कौन कौन से एविडेंस यानी कि साक्ष्य मिला। कहाँ से? हड़प्पा से। सबसे पहले हड़प्पा के साक्ष्य में ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा से साक्ष्य मिला श्रमिक का आवास। श्रमिक का मतलब मजदूर। श्रमिक का मतलब मजदूर को हम क्या बोलते हैं? श्रमिक। तो श्रमिक का आवास कहाँ से मिला? हड़प्पा से। बोलो किसका आवास? तो श्रमिक का आवास। फिर से बोलो किसका आवास है बाबू? यानी श्रमिक यहाँ रहेगा। श्रमिक का क्या मिला? आवास। श्रमिक का मतलब समझ रहे हैं? मजदूर। बोलो भाई क्या? मजदूर। किसके मतलब? श्रमिक का। बोलो किसका? और यहाँ से दो चीज का ज्यादा, दो जाति का साक्ष्य मिला है, एक कुम्हार जाति का और एक बढ़ई जाति का। बोलो कौन कौन? कुम्हार जाति का और बढ़ई जाति का। कुम्हार जाति का, तो कुम्हार अपना फेवरेट काम कौन है? कुम्हार का चाक। तो कुम्हार क्या चलाते हैं? अरे फेवरेट काम है ना उसको, खानदानी काम है चाक चलाना। तो भाई ये चाक चलाते हैं, तो कुम्हार का चाक का साक्ष्य कहाँ से? अभी कुम्हार जो है चाक से क्या क्या बनाएंगे? तो बहुत कुछ बनाते हैं, मात्र देवी की मूर्ति भी बनाते हैं। बोलो कौन देवी की मूर्ति? मात्र देवी की मूर्ति। तो ये मात्र देवी की मूर्ति का साक्ष्य जो है वो कौन देवी की मूर्ति? मात्र देवी की मूर्ति, मैया रानी की मूर्ति। और ये मात्र देवी की मूर्ति कौन बनाएगा? कुम्हार। कनेक्ट करके याद कीजिए कि मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंसेप्ट को भी समझना है। तो यही आपका हड़प्पा से कौन देवी की मूर्ति? मात्र देवी की मूर्ति। बोलो प्यारे कौन देवी की मूर्ति? कहाँ से? हड़प्पा से। एगो और मिला है बढ़ई का साक्ष्य।
किसका? और बढ़ई, और बढ़ई से आपका दो चीज़ की साक्ष मिला है, एक है ओखली। बोलो क्या? ओखली समझते हैं? नहीं चलता है जी। तो ये आपकी किसकी साक्ष मिला है? ओखली का साक्ष। तो ओखली इसी को हम कहते हैं, आप तो समझ ही गए होंगे, ओखली का साक्ष मिला है। और भैया एक ताबूत मिला है। क्या? ताबूत। ताबूत समझते हैं, जो लोग अपनी शव को गाड़ते हैं तो एक ताबूत में पैक करके जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, वो लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? अब शव को गाड़ने की साक्ष मिल रहा है, तो भाई साथे साथ जुगाड़े से याद रखना है कि जब शव को जला दिया जाएगा तो हड्डी पत्ता, लेकिन जब शव को गाड़ दिया जाएगा तो कोई ना कोई खोद के निकाल देगा तो हड्डिया पत्ता। आपका नदिया के किनारवा में हड्डिया रहता है कि नहीं गैया भैंसिया के? क्योंकि आप डायरेक्ट जाके धर लाते हैं उन्हें, तो आपको तो गड़बड़ तो होगा ही। तो भाई यहाँ किसकी साक्ष मिला है? हड्डियों का साक्ष मिला है। और जब ये सब हो रहा है तो यहाँ मिला है कब्रिस्तान का साक्ष। किसका साक्ष? और हड्डियों में देखा गया कि व्यक्ति के मुड़ी नीचे और खुड़ी ऊपर, ऐसे व्यक्ति को गड़ा जा रहा था, मुड़ी नीचे या खुड़ी, और उसमें कब्र का नाम है RH-37। बोलो क्या नाम है? कब्र का नाम है RH-37। जोड़ पड़ रहा है मथवा पर? नहीं। अब जब इतिहास में जोड़ नहीं पड़ रहा है तो बाकी तो सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन टफ होता है? इतिहास। पॉलिटी तो आसान चीज़ है जी, है ना। इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? इतिहास भूगोल बेवफा है, रात पढ़ो दिन सफा है। तो तू पढ़वे कर्मी वो संकेश, तो संकेश तरह होवे न करता। अब तू अपना लेवल के पढ़िए ना, अपना लेवल का डर, तू हाई क्वालिटी का टीचर से पढ़िए। क्वालिटी का मतलब उसको लैंग्वेज क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। अब पूरा एक्सक्यूज मी डिस्क्यूज मी कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, कहा बोल रहा है रे? पूरा ये सब शब्दों शब्द आपकी टोन आपकी होनी चाहिए, चीज़ आपको समझ में आएगा। अब ओखली नहीं समझ में आया है तो ये आपकी कब्र RH कितना आपका? 30। अब यहाँ से कुछ और मिला है सर, तो यहाँ से इसके अलावा भी मिला है सिंधु सभ्यता की मोहरे, जिसको हम स्वस्तिक चिन्ह कहते हैं। बोलो कौन चिन्ह बाबू? स्वस्तिक चिन्ह। बोलो कौन चिन्ह? कहाँ से मिला? हड़प्पा से। बोलो कहाँ से? कौन चिन्ह? कहाँ से मिला? 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 कौन चिन्ह? ठीक ठाक है। और हाथी के कपड़ा मिला है। बोलो कहाँ के कपाल? हाथी के कपाल। कहाँ से ये सब साक्ष मिला है? तो हड़प्पा से। हड़प्पा का खोज कब हुआ है? 1921। किसका खोज? कब? इसका खोज किसने किया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और ये कहाँ जी? कौन नदी? कौन जिला? श्रमिकों का आवास। किसका चाक? किसका चाक? कौन देवी की मूर्ति? मात्र देवी की मूर्ति। एक बार आप बोलो भाई, कौन देवी? यार ये आका का बनाया? बोलो रहेगा, बोलेगा मुड़ी नीचे अखुड़ी, कौन 30, कौन चिन्ह, कौन कपाल? कोई समस्या? कोई किंतु परंतु? कोई टेंशन नहीं ना? एकदम टेंशन लेना, झुकना भी नहीं आके यहाँ। ट्रेन पटरी पर है ना, थोड़ा ज़्यादा डर लगता है हमको। लड़कन सबका आज पता नहीं आज के ज़िंदगी कहाँ चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।